हेलो फ्रेंड्स, मनोरमा किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनेगा मनोरमा किचन में बाल मिठाई, उत्तराखंड का फेमस। और चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम अच्छा। ये ऐसे ही बनता चॉकलेटी, खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो बाल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा लेंगे। मावा मैंने 800 ग्राम लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना मावा लेना है। तो हम चलिए शुरू करते हैं बनाना, बाल मिठाई बनाना। तो मैंने गैस जला के एक कढ़ाई रख दिया इस पर। तो सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे, एक चम्मच हम देसी घी ले लेंगे। ये मैंने एक चम्मच देसी घी ले लिया, ये देखिए देसी घी गरम हो गया। अब इसमें हम गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और इसमें ये हम मावा डाल देंगे। मावा मैंने घर पे ही बनाया था। इसको लो टू मीडियम पे हम भूनेंगे। इसको जब तक ये भून रहा है हम चाशनी भी बना लेंगे। हम इससे 2/3 कप पानी डालेंगे। ये मैंने 2/3 कप पानी डाल दिया और ये 1/2 कप चीनी डाल देंगे। ये मैंने चीनी डाल दिया। ये जब तक चाशनी हो रहा हम इधर मावा भी भून लेते हैं। इसको अच्छे से गोल्डन कलर करना है, बराबर चलाते रहना है कि नीचे लगे नहीं। ये देखिए भुनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए मावा गाढ़ा होने लगा। इसको एकदम अच्छे तरीके से भुनना है, इसका कलर चेंज होने लगे। इसको बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया, डार्क हो गया। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो 1/4 कप हम चीनी लिए हैं, इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी के साथ ही मावा को भूनना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए चाशनी उबल गया है, ये चिपचिपी गाढ़ी होनी चाहिए, इतना चाशनी ऐसा बनाना है। तो ये हो गया, हम गैस को बंद कर लेते हैं। तो हम इसमें चीनी डाले थे, 1 चम्मच फिर से घी डालेंगे, इसको भी मिला लेंगे। ये देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया, डार्क कलर हो गया। अब इसमें हम जो चाशनी बनाए हैं वो डालेंगे। केयरफुल डालना, एकदम गर्म है ये चीनी, ये मावा भी और वो चाशनी भी। तो इसको हम धीरे धीरे डालेंगे, इसको मिलाते रहेंगे। बाकी का भी हम डाल देंगे सारा चाशनी, इसमें सोक कर लेगा ये। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए इसका पानी भी हम सुखा दिए जो चाशनी डाले थे। ये देखिए एकदम घुल गया, इसमें अच्छे से भून गया। इसको 2 सेकेंड और भूनेंगे हम, इसे अच्छे से भुनाई करना है कि एकदम चीनी चाशनी सब घुल मिल जाए। ये देखिए इसका कलर एकदम चॉकलेटी कलर हो गया है।
ऐसे ही भून के इसको बनाना है, बस 2 सेकंड और भूनेंगे हम। ये देखिए बाल मिठाई बन गया, अब इसे सेट करना है अच्छे से, बस इसे भूनना है। ये देखिए भून गया, बस हम गैस को बंद कर देंगे। ऐसे चेक कैसे करेंगे कि ये हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसमें निकाल लेंगे एक प्लेट में कोई, और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप इसको गोल ऐसे हाथ से गोल करेंगे, तो ये अगर गोल बनने लगे तो समझिए ये हो गया जमाने लायक। तो बस हम गैस को बंद कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो हम गैस को बंद कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको थोड़ा ऐसे चला चला के खट्टा करेंगे हम, और इसे फटाफट कोई टीन, केक टीन लीजिए, चाहे प्लेट लीजिए, थाली लीजिए, उस पर घी लगा लीजिए अच्छे से, और इसमें हम ऐसे चलाते हुए इसको डाल देंगे कि ये सेट हो जाए। हम इसमें प्लेट में जमा देंगे, हम ये इसमें जमा दिए हैं। अब ये 5 मिनट ठंडा हो जाता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए एकदम ठंडा हो गया है, और ये देखिए ऐसे कर रहे हैं तो गिर नहीं रहा है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए ये ऐसे करेंगे, इतने ही ठंडे पे आप काटिएगा, इससे ज़्यादा ठंडा होगा तो ये काटने में कड़ा हो जाएगा, फिर कटेगा नहीं। इतना ही बड़ा बड़ा होता है ये बाल मिठाई। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो इसको हम नाइफ से कर देंगे कि आराम से निकल जाइए। अगर थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है तो ये आराम से हाथ से बन जाता है, इसका एकदम चॉकलेट के जैसे होता है। तो इसको हम ऐसे नाइफ डाल के निकाल लेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे ही सारा निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है उससे काट के, अब इसको हम हाथ में लेंगे, इसको थोड़ा सेप ठीक कर देंगे, और इसको चाशनी लेंगे हम, चाशनी में डिबो के सीधे चाशनी में डाल के, और ये शुगर बॉल लिए हैं हम, इसमें लगा देंगे ऐसे, इसको अच्छे से दबा देंगे कि चिपक जाए। ये देखिए ऐसे, इसको अच्छे से इसी से चिपका देना है। ये देखिए ऐसे ऐसे ही सारा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए मैंने ये सर्व कर लिया है बाल मिठाई, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।